दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में भारत में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की नंबर्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है। आज वुमेन्स अपनी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ की वजह से लगभग हर इंडस्ट्री और सेक्टर में प्रवेश कर रही हैं। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट के साथ अधिक से अधिक महिलाएं अपने एंटरप्रेन्योर बनने के ड्रीम को पूरा कर पा रही हैं और एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 14% बिजनेसेस वुमेन द्वारा चलाए जाते हैं। यानी अभी भी बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनमें स्किल्स तो हैं लेकिन फिर भी वो बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए उन्हें स्किल्स के साथ साथ मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। पैसे की कमी होने की वजह से कुछ वुमेन्स आइडिया और स्किल्स होने के बाद भी अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाती। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे वुमेन्स अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकती हैं। लोन लेने के लिए आप विश्वास स्कीम में अप्लाई कर सकती हैं जो कि कैप्री ग्लोबल प्रोवाइड करती है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि दो वर्टिकल्स में डील करती है, एमएसएमई लोन्स एंड होम लोन्स। कैप्री ग्लोबल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्टेड है। चलिए अब देखते हैं कि विश्वास स्कीम क्या है। विश्वास स्कीम का मोटिव है वुमेन में बिलीव करना और उनको एमएसएमई लोन प्रोवाइड करवाना। ऐसा इसलिए क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के लिए फर्स्ट स्टेप है वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयमेंट में 10.24% कंट्रीब्यूट करते हैं। एमएसएमई सेक्टर इकोनॉमी में वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्राइमरी बोरोवर वुमेन ही होनी चाहिए। जिस बिजनेस के लिए लोन लिया जा रहा है वो उसी वुमेन बोरोवर के थ्रू मैनेज किया जाना चाहिए। हालांकि साथ में कोई और एज को मैनेजर हो सकता है। इसको अप्लाई करते टाइम बोरोवर की एज 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए और लोन की मैच्योरिटी 60 ईयर्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वुमेन एप्लीकेंट्स पिछले 12 महीनों से बिजनेस में एक्टिवली एंगेज होनी चाहिए और इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी होना चाहिए। लोन का टेन्योर यानी मैच्योरिटी मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स का होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। लोन 40 लाख रुपीज तक का ले सकते हैं। रीपेमेंट टेन्योर की अगर बात करें तो ये 10 ईयर्स का है और मिनिमम 18 मंथ्स का है। फ्लोटिंग और सेमी फिक्स इंटरेस्ट रेट बहुत कॉम्पिटेटिव रेट्स हैं। कोलेटरल के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। चलिए देखते हैं कि इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। इसके बाद कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगी और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में हेल्प करेंगे और आपके घर से ही डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेंगे। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के बाद वो आपके फेवर में सैंक्शन लेटर इशू कर देंगे। इसके बाद लोन एग्रीमेंट बनाया जाएगा और डिसबर्सल रिक्वेस्ट कर दी जाएगी। जैसे ही ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट डाल दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें कई स्टेजेस पर ईएमआई को वेव कर दिया जाता है जब बोरोवर क्लीन रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। रेगुलर ईएमआई देने वालों की अप टू 10 ईएमआईज वेव कर दी जाती है। इसका ब्रेकआउट कुछ इस तरह से है। 3 ईएमआईज वेव ऑफ थर्ड ईयर के एंड में, 5 ईएमआईज वेव ऑफ फिफ्थ ईयर के एंड में एंड 10 ईएमआईज वेव ऑफ 10th ईयर के एंड में। नेक्स्ट है, इनके जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल है एंड रीपेमेंट ऑप्शन टेलर मेड है, यानी कि इन्हें पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब बात करते हैं कि विश्वास स्कीम की प्राइसिंग और चार्जेस क्या हैं। इसमें आपके ₹2000 प्लस GST फ्लैट IMD चार्जेस लगेंगे और प्रोसेसिंग फी जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से जो मैट्रिक्स होगी प्लस टैक्सेस के अकॉर्डिंग लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे वुमेन अपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन अप्लाई कर सकती हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।